मुख्यमंत्री के द्वारा 17 जुलाई को बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले विभिन्न योजनाओं का मुख्यमंत्री शिलान्यास और लोकार्पण करने आ सकते हैं, जिसमें एनआईवी सेंटर हॉस्टल सहित अन्य कार्य शामिल है। डीएम ने बताया कि एनआईवी सेंटर की स्थापना से जेईएस के होने के कारणों एवं उसके बचाव के बारे में शोध कर अपनी रिपोर्ट उपलब्ध कराएगी, जिससे लोगों को तत्काल राहत देने में काफ़ी मदद मिलेगी। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन ने बताया, को फिलहाल प्रस्तावित प्रोग्राम है उस पर जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज में विभिन्न योजना उनने चालू किए हैं, करीब 25-30 करोड़ का योजना है। उसका जो 100 बेडेड का आधुनिक आईसीयू यूनिट पीडियाट्रिक आईसीयू यूनिट, खासतौर पे इसी बच्चे का, जेईएस बच्चे का, उसका शिलान्यास लोकार्पण करेंगे। उसके अलावा 2 इंस्टीट्यूट केंद्र सरकार का चालू होने जा रही है, एक नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट का रीजनल सेंटर यहाँ खुला जा रहा है। उसके बाद ये कंपोजिट रिसोर्स रिहैबिलिटेशन सेंटर भारत मंत्रालय से चालू हो जा रहा है, ताकि ये यही जेई बीमारी से जो बच्चे विकलांग हो जाते हैं उन लोगों को पुनर्वास के लिए। उसके अलावा जो वहाँ का अंदर का आधुनिक रोड है, अंदर का डेवलपमेंट है, फिर वार्ड डेवलपमेंट है, वहाँ का हॉस्टल है, वो सारे चीज़ का लोकार्पण करेंगे। फिलहाल टेंटेटिव 17 तारीख का है, वो संशोधन होता तो आपको सूचित करा देते हैं।